तो मेरे भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के चैनल क्रिकेट घातक में एक नई न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों। अपनी इस वीडियो में हम एशिया कप के इतिहास के 5 सबसे तेज शतकों की बात करते हैं और देख लेते हैं कि एशिया कप के इतिहास में इन 5 सबसे तेज शतकों को किन किन बल्लेबाजों ने कब कहां और किस टीम के खिलाफ बनाया है। बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, आपके इस कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से आज की अपनी छोटी सी धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 5वें बल्लेबाज हैं श्रीलंका के सनत जयसूर्या। जयसूर्या सन ने अपने शतक को लगाने के लिए मात्र 72 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 22 जुलाई 1997 को कोलंबो के क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, जहाँ पे इन्होंने मात्र 83 गेंदों में 108 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 14 चौके और 3 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाइयों, सनत जयसूर्या सर का ये शतक इनके वनडे क्रिकेट के इतिहास का 4th सबसे तेज शतक था। साथ ही इनके इस लाजवाब शतक की मदद से श्रीलंका की टीम ने इस मैच को बहुत ही आसानी से 103 रनों से जीत लिया था। और इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले शतक की, तो एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 4th बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी सर ने अपने शतक को लगाने के लिए मात्र 68 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 15 जून 2010 को दम्बूला के क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 76 गेंदों में 109 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 8 चौके और 7 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई बूम बूम अफरीदी सर का भी ये शतक इनके वनडे करियर का 4th सबसे तेज शतक था, लेकिन अपने इस ताबड़तोड़ शतक की मदद से भी पाकिस्तान की टीम को शाहिद अफरीदी सर इस मैच को जिता नहीं पाए थे, जबकि श्रीलंका की टीम ने इस मैच को मात्र 16 रनों से अपने नाम करा। इसी के साथ भाइयों, एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं इंडिया के सुरेश रैना। सुरेश रैना सर ने अपने शतक को लगाने के लिए मात्र 66 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 25 जून 2008 को कराची के क्रिकेट ग्राउंड में हांगकांग के खिलाफ लगाया था। इस मैच के अंदर रैना सन ने मात्र 68 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 7 चौके और 5 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई, सुरेश रैना सर का ये शतक इनके वनडे करियर का पहला शतक था और इस शतक को जड़कर सुरेश रैना सर वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक बनाने वाले 5वें बल्लेबाज भी बन गए। साथ ही इस मैच में रैना सर के साथ साथ एमएस धोनी सर ने भी शतक लगाया था और इन दोनों के इन लाजवाब शतकों की मदद से भारतीय टीम ने इस मैच को 256 रनों से एक तरफा जीत लिया। इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले बल्लेबाज की, तो एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं श्रीलंका के सनत जयसूर्या। जयसूर्या सर ने अपने शतक को लगाने के लिए मात्र 55 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 30 जून 2008 को कराची के क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। इस मैच के अंदर इन्होंने मात्र 88 गेंदों में 130 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 16 चौके और 6 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई, सनत जयसूर्या सर ने वनडे के अंदर अपने बल्ले से कई ताबड़तोड़ शतक लगाए और उनमें से ये इनके वनडे करियर का दूसरा सबसे तेज शतक था। साथ ही इनके इस ताबड़तोड़ शतक की मदद से श्रीलंका की टीम ने इस मैच को 158 रनों से जीत लिया। और इसी के साथ भाई बात करें अपने अगले शतक की, तो एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी सर ने अपने शतक को लगाने के लिए मात्र 53 गेंदों का इस्तेमाल किया था और ये शतक इन्होंने 21 जून 2010 को दम्बूला के क्रिकेट ग्राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 60 गेंदों में 124 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 17 चौके और 4 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई, शाहिद अफरीदी सर का ये शतक इनके वनडे करियर का तीसरा सबसे तेज शतक था। साथ ही इनके धाकड़ शतक की मदद से पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को बहुत ही आसानी से 139 रनों से अपने नाम कर लिया। और साथ ही भाई, आपको बता दूं कि शाहिद अफरीदी सर के साथ साथ एशिया कप के इतिहास में एक और बल्लेबाज ने मात्र 53 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली सर ने यह शतक एशिया कप के T20 के फॉर्मेट में 8 सितंबर 2022 को दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था, जहां पे इन्होंने मात्र 61 गेंदों में 122 रन की नाबाद पारी खेली थी और इनकी इस पारी में कुल 12 चौके और 6 छक्के भी शामिल। और साथ ही भाई, T20 आई में विराट कोहली सर का यह पहला शतक था और
एशिया कप के T20 के वर्जन में विराट कोहली सर शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। साथ ही कोहली सर के शतक की मदद से इंडिया की टीम ने इस मैच को बहुत ही आसानी से 101 रनों से जीत लिया। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ ये बात तो हो गई एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों। इसी के साथ भाइयों, आने वाले एशिया कप के अंदर क्या कोई बल्लेबाज सबसे तेज शतक लगाकर कोहली सर और अफरीदी सर के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? अगर तोड़ पाएगा आपकी नजर में तो वो कौन सा खिलाड़ी है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना यार।